हेलो फ्रेंड्स, कुकीज़ बनाने की विधि में हम आपके लिए एक आज नई कुकीज़ बना रहे हैं, कैश्यूनट कुकीज़। इसे बनाना भी बहुत आसान है, आप इसे आसानी से बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैश्यूनट कुकीज़ बनाना। तो फ्रेंड्स, कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं 1/2 कप पिसी हुई शुगर। अब इसमें मैं ले रही हूँ 1/2 कप अनसॉल्टेड बटर। यदि आपके पास अनसॉल्टेड बटर नहीं है तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये मैंने घर पर बनाया हुआ ये बटर है कि देखिए, मैंने ये पूरा 1/2 कप बटर ले लिया है और इन्हें अब हम फ्लफी होने तक फेंटेंगे। हमारा बटर और चीनी आपस में बिल्कुल मिक्स होकर फ्लफी हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप मैदा। मैदा को मैंने पहले से ही छान कर रखा हुआ है। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/4 कप दरदरा कुटा हुआ काजू। यदि आप चाहें तो इसे काजू की जगह बादाम भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी को आपस में मिलाकर मैं एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। हो चुका है, अब हम इसे क्लिंग रैप कर 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। यदि किसी भी कारण से आप इसे बेक नहीं कर पाते तो आप इसे ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं। इसी बिस्किट के लिए नहीं है, आप कोई भी बिस्किट क्लिंग रैप कर ओवरनाइट फ्रिज में रख के नेक्स्ट डे भी बेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इस काजू कैश्यूनट बिस्किट को या रोल को 1 घंटा फ्रिज में रखकर हो गया है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। आप इसे कोई सी भी शेप दे सकते हैं और क्योंकि ये काजू बिस्किट है इसलिए मैं इस पर अब ऊपर 1-1 काजू लगा रही हूँ, जिससे कि हमारे बिस्किट बड़े ही अच्छे दिखेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने माइक्रोवेव को पहले से 180 डिग्री पे प्रीहीट कर लिया था। अब मैं इसे 18 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कैश्यूनट कुकीज़ बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, ये देखिए।